to everyone. This is Namra Fan Khan and welcome back to my channel. I hope you all are doing super great. Please stay home, stay safe. जो भी SOPs हैं, जो भी precautions हैं, वो सब आप लोगों को पता है. Please वो precautions लीजिए और अपने घर वालों का और अपना बहुत 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 ज़्यादा ख्याल रखिए. तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और हमारी जो आज की रेमेडी है उसकी बात कर लेते हैं. हमारी जो रेमेडी है वो बेसिकली है आपकी स्किन के ऊपर जो डार्क स्पॉट्स आ जाते हैं एक्ने की वजह से, ये आपकी स्किन डल हो जाती है बाहर जाने की वजह से, और स्पेशली समर में आपकी स्किन वैसे ही बहुत ज़्यादा डल होती है और जो आपका जो स्किन का जो ऑयल है वो बहुत ज़्यादा स्किन बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करती है. तो उस ऑयल्स को रोकने के लिए और आपकी स्किन में ग्लो लाने के लिए एक बहुत ही अच्छी रेमेडी है जो कि बहुत सिंपल है. सारे जितनी भी रेमेडीज़ होती हैं वो सब ऐसी होती हैं कि जो आपके घर में चीज़ें मौजूद हों उससे आप अपनी स्किन को किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं, वो तमाम मेरी रेमेडीज़ ऐसे ही होती हैं. ठीक है जी, तो मैं आप लोगों को पहले अपने इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ कि इंग्रेडिएंट्स क्या हैं उस रेमेडी के, और फिर मैं आप लोगों को बताऊँगी कि उसको यूज़ किस तरीके से करना है. ठीक है जी. अच्छा, तो मेरे पास ये ऑलरेडी एक फेस पैक बना हुआ है जो मैंने बना के रखा था यहाँ पर, ये इस तरह से. इसमें मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने कौन क्या क्या चीज़ें इसके अंदर यूज़ की हैं. मैंने इसके अंदर यूज़ किया है व्हीट फ्लावर, जो आटा होता है वो मैंने इसके अंदर ऐड किया है. उसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड किया है थोड़ा सा ऑरेंज पील पाउडर. ऑरेंज पील पाउडर के अलावा मैंने इसके अंदर ऐड किया है बेसन. बेसन के साथ मैंने इसके अंदर ऐड किया है टर्मरिक पाउडर और ऐसे भी, और इसके अलावा मैंने इसके अंदर ऐड किया है लिकरिश पाउडर. थोड़ा सा लिकरिश पाउडर मैंने ज़्यादा इसमें यूज़ नहीं किया है. बेसिक जो मेन इंग्रीडियंट्स मैंने इसके अंदर यूज़ किए हैं वो है टर्मरिक, बेसन, ऑरेंज पील पाउडर, और उसके अलावा मैंने इसके अंदर ऐड किया है व्हीट फ्लावर. ये सब ऐसे इंग्रीडियंट्स हैं जो आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं. आपकी स्किन को बहुत अच्छा एक तो मॉइस्चर प्रोवाइड करेंगे, ग्लो प्रोवाइड करेंगे. जो डार्क जो आपके डार्क पैचेस हो जाते हैं, छोटे छोटे से स्पॉट्स हो जाते हैं आपकी स्किन के ऊपर, उनको लाइटन करेंगे, आपकी स्किन को एक ग्लो प्रोवाइड करेंगे. ठीक है, इसके रेगुलर यूज़ से आप देखेंगे जो डार्क स्पॉट्स हैं वो ऐसा 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 लाइटन होते चले जाएंगे. ठीक है, और इस कप को मैंने मिक्स किया है विद रोज़ वाटर. मैंने इसके अंदर कोई योगर्ट यूज़ नहीं किया है, कोई मिल्क यूज़ नहीं किया है. मैंने सिंपल इसके अंदर जो है रोज़ वाटर ऐड किया है. ठीक है, और स्पेशली ये जो फेस पैक ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा है. जिनकी स्किन ड्राई है वो इसकी जगह से इसकी जगह पे रोज़ वाटर के रिप्लेस करके वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे योगर्ट. ठीक है, जिनकी स्किन ड्राई है मैं उनकी बात कर, और जो नॉर्मल स्किन वाले हैं वो ये भी यूज़ कर सकते हैं, एंड इसके अलावा वो मिल्क भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं. बट स्पेशली मैंने ऑयली स्किन वालों के लिए बनाई क्योंकि मेरी भी अपनी ऑयली स्किन है, तो वो मुझे अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करना था, इसलिए मैंने सोचा मैं ऑयली स्किन वालों के लिए बना लूँ. तो इसलिए मैंने इसके अंदर रोज़ वाटर ऐड किया है. जो जिनकी ऑयली स्किन है वो रोज़ वाटर ऐड करेंगे, जिनकी नॉर्मल स्किन है वो जिनकी ड्राई स्किन है स्पेशली वो इसके अंदर दही ऐड करेंगे, क्योंकि दही भी आपकी स्किन को मॉइस्चर प्रोवाइड करता है. तो अच्छा, आपने इसको लगाना कैसा है? इसको आपने लगाना इस तरीके से है कि आपने अपने फेस को वॉश करना है, और फेस वॉश करने के बाद आपने इसको सिंपली इस तरीके से ब्रश की मदद से आपने इस तरीके से अपने फेस के ऊपर लगाना है. ठीक है, अभी तो मैं आपको बता रही हूँ कि ये मैं अपने हैंड के ऊपर लगा के बता रही हूँ, बट देन आपने बट ये बेसिकली जो फेस पैक है वो आपकी फेस के लिए है. ठीक है, आप इसको अच्छी तरीके से अप्लाई करेंगे इस तरीके से, और इसको आप छोड़ देंगे फॉर अबाउट 15 to 20 minutes. ठीक है, आधा घंटा भी रख सकते हैं, बट आई वुड प्रिफर कि आप इसको फुली ड्राई मत होने दीजिए, बिकॉज इसके अंदर व्हीट फ्लावर है, आटा है, तो उसको कम्प्लीटली ड्राई मत होने दीजिए, क्योंकि जब आप इसको फेस जो आप वॉश करेंगे तो आप साथ साथ इसकी फर्स्ट आप इसके मसाज करेंगे. ठीक है, जब आप मसाज करेंगे तो कोशिश कीजिएगा जो व्हीट फ्लावर है वो कम्प्लीटली ड्राई ना हो, वरना वो आपकी स्किन को प्रॉब्लम करेगा, इरीटेट करेगा. ठीक है जी, और आपकी स्किन इससे रेड भी हो सकती है अगर आपने इसको ओवर लगा लिया, मतलब इसको ओवर स्टे कर दिया अपनी स्किन के ऊपर. तो 15-20 minutes मैक्स है, 30 minutes तक मत जाने दीजिएगा क्योंकि फिर वो ड्राई पे चला जाएगा. ठीक है जी, आप इस तरीके से इसको अपने फेस के ऊपर अप्लाई करेंगे जिस तरीके से मैंने अपने हैंड के ऊपर अप्लाई किया है. ठीक है, देन यू आर गोइंग टू कीप इट फॉर अबाउट 15-20 minutes, एंड देन यू आर गोइंग टू वॉश इट ऑफ, फर्स्ट मसाज एंड देन वॉश इट ऑफ.
ठीक है जी। ये करने के बाद आप कोई भी मॉइस्चराइजर अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप एलोवेरा जेल बेस्ट है वो आप लगा सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको एक और मॉइस्चराइजर ऑयली स्किन, स्पेशली ऑयली स्किन वालों के लिए बताया है, जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर अगर आप लोगों के पास नहीं है तो व्हाट यू कैन डू इज आप थोड़ा सा एलोवेरा जेल लीजिए, थोड़े से एक दो कैप्सूल वाइटामिन ई की लीजिए, ठीक है। एलोवेरा जेल और वाइटामिन ई को मिक्स कीजिए, वो अच्छे से एक जेल फॉर्म में क्रीम बन जाएगी, नाइट क्रीम बन जाएगी। वो आप कोई भी फेस पैक लगाएं, उसके बाद आप अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें अगर आप करेंगे तो आपकी स्किन में एक ग्लो होगा, आपकी स्किन फ्रेश नज़र आएगी, आपकी स्किन के ऊपर ग्लो नज़र आएगा। और इसके अलावा जो डार्क स्पॉट्स हैं आपकी स्किन के, जिसकी वजह से आप लोग बहुत सारे लोग नॉर्मली परेशान होते हैं, क्योंकि एक्ने हर किसी को हो ही जाती है, कभी ना कभी तो हर किसी को हो जाती है, वेदर वो नॉर्मल हो स्किन हो, ऑयली स्किन हो, सेंसिटिव स्किन हो, और एक्ने प्रोन स्किन का नाम ये है कि उसमें मतलब एक्ने तो होना ही है उनको। तो उन सब लोगों के लिए है ये रेमेडी, प्लीज़ इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, ज़रूर यूज़ करके देखिएगा। और आप इसको कब कब कर सकते हैं, आप ऑन डेली बेसिस कर सकते हैं इसको अप्लाई, कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। बट ये ख्याल रख लीजिएगा, जो ऑयली स्किन वाले हैं वो उसके अंदर योगर्ट ऐड नहीं करेंगे, दही ऐड नहीं करेंगे, वो रोज़ वाटर इसके अंदर ऐड करेंगे, ठीक है। जो ड्राई स्किन वाले हैं वो इसके अंदर दही ऐड करेंगे इसको पेस्ट बनाने के लिए, ठीक है। सो बस ये थोड़ी मोटी चीज़ें हैं, टेक्निक्स हैं, अगर आप वो सही तरीके से यूज़ करते हैं तो आपकी स्किन सीरियसली योर स्किन इज़ गोइंग टू यू नो थैंक यू। तो ये थी मेरी आज की रेमेडी, उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा चैनल थोड़ा सा भी अच्छा लगता है या आपको लगता है थोड़ा सा यूज़फुल है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर आपको कोई वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक देना मत भूलना, ठीक है। आई विल बी मीटिंग यू इन नेक्स्ट वीडियो फिर सून, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और प्लीज़ स्टे होम स्टे सेफ। आई विल बी मीटिंग यू इन नेक्स्ट वीडियो सून, टिल देन आई विश यू ऑल अ वेरी 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 हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ, टेक केयर एंड बाय, एंड यस डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। Goodbye.